निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं। पंद्रह साल नीतीश कुमार और बीजेपी के और 15 साल आरजेडी कांग्रेस के, क्या हाल करके रख दिया बिहार का। स्कूल है मगर स्कूल में टीचर नहीं है। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि यहाँ से निर्मल साहब को और उपेंद्र कुशवाहा साहब की पार्टी को कामयाब करिए, इंशाअल्लाह ताला उन तमाम स्कूलों में टीचर का मुहैया किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2020। नमस्कार, मैं हूं जफर इकबाल, एबीटी न्यूज से। बिहार में चुनाव की सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हो गई हैं और पहले चरण में 28 अक्टूबर को चुनाव है। आज बक्सर के मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। ओवैसी साहब की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की, मायावती की, ओम प्रकाश राजभर, देवेंद्र यादव जी, इन लोगों का कार्यक्रम है। और यहाँ पर मैदान में जो एक कार्यक्रम किया गया है काफ़ी ज़बरदस्त, 12 बजे से लोग धूप में एकदम चिलचिलाती धूप में उपस्थित हैं। लेकिन अभी तक पता नहीं है, आज उनका ओवैसी साहब के बिहार में 4-5 जगह कार्यक्रम था। प्रत्याशी निर्मल कुमार सिंह और माननीय ओम प्रकाश जी, जो कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी गठबंधन के मंत्री थे, संजय चौहान जी, देवेंद्र यादव जी, असदुद्दीन ओवैसी साहब के जनसभा के लिए काफ़ी भीड़ है। काफ़ी लोग इंतजार कर रहे हैं, भाषण चल रही है यहाँ पर, मंच पर काफ़ी लोग विराजमान हैं। यहाँ सामने हम कहेंगे कितनी भीड़ चिलचिलाती, भीड़ में सभी लोग उपस्थित हैं। और ओवैसी साहब का कार्यक्रम, उपेंद्र कुशवाहा का कार्यक्रम के लिए यहाँ से इस वक्त सिटिंग MLA हैं बीजेपी कांग्रेस पार्टी का, और यहाँ से गुप्तेश्वर पांडे वीआरएस लेकर DGP पद से रिटायर हुए थे चुनाव लड़ने के लिए बक्सर, इसलिए यहाँ उनको टिकट नहीं मिला है। काफ़ी यहाँ पर चुनावी का आखिरी चर्चा गहमागहमी है। और बक्सर एक ऐतिहासिक जगह है, यहाँ पर अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध भी हुआ था जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। कैमरामैन हैदर अली के साथ मैं जफर इकबाल, ABD न्यूज़, बक्सर, बिहार। अगर शौचालय बनाना है तो उसको 2000 की रिश्वत देना पड़ता है। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर उसको हासिल करना है तो उसको 20,000 की रिश्वत गरीब को देना पड़ता है। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि करप्शन का खात्मा करेंगे। ये करप्शन का खात्मा RJD और नीतीश कुमार BJP नहीं कर सकती है। मैं आपको एक बात और एक बताना चाहता हूँ कि BJP की वजह से ही आज भारत में इतनी बड़ी तादाद में कोरोना वायरस फैल चुका है। अगर देश के प्रधानमंत्री सही फैसला लेते और लॉकडाउन को 4 घंटे के बजाय अगर 5 दिन के बाद लॉकडाउन करते, और बिहार जैसी बड़ी प्रदेश में 32 लाख लोग हमारे नौजवान जो देश के मुख्तलिफ इलाकों में रोजगार के लिए गए हुए थे, आज वो बीमार नहीं पड़ते, परेशान नहीं होते। आज आप देखते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में बिहार के नौजवान जो देश के कोने कोने में गए वो आज वापिस आ रहे हैं। इनके रोजगार का कोई इंतजाम नहीं है। आज हर एतबार से बिहार में परेशानी है। अगर बिहार में बहार लाना है, अगर बिहार में गरीब बसने वाले उन पिछड़े लोगों को इंसाफ दिलाना है तो मेरी आपसे अपील है कि उपेंद्र कुशवाहा को, जो हमने अपना चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बनाकर पेश किया है, उनको कामयाब करिए। RJD के 15 साल कांग्रेस के और नीतीश कुमार और BJP के 15 साल आपने देख लिए। पिछले 5 साल पहले जब विधानसभा के चुनाव हुए थे उस वक्त मैंने बार बार बिहार की जनता को बताया कि नीतीश कुमार BJP में चले जाएंगे, तो यही कांग्रेस के लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगाते थे कि असदुद्दीन ओवैसी वोट कटवाए। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछ रहा हूँ, बताओ आज क्या तुमने बिहार की जनता को झूठ नहीं बोला? तुमने धोखा देकर क्या तुम जिम्मेदार नहीं हो? आज नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की गोद में जाकर बैठे हुए हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, BJP की वजह से आज देश का GDP माइनस हो चुका है। आज BJP नीतीश कुमार की वजह से आज बिहार में बेरोजगारी बढ़ चुकी है। आज मैं आपसे आया हूँ, हमारे भाई निर्मल का साथ, इनको
को कामयाब करिए, ये कामयाबी सही मानों में सेकुलरिज्म की कामयाबी होगी। अगर कोई ये समझता है कि कांग्रेस है, याद रखो कांग्रेस में दमखम नहीं है बीजेपी की यहाँ से कामयाबी को रोक सके। अगर इस विधानसभा से आप बीजेपी को नाकाम करना चाहते हैं तो निर्मल का साथ दीजिए, क्योंकि कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है, अब दमखम नहीं रहा। नमस्कार, मैं जफर इकबाल। जैसा कि आप देख रहे हैं, बक्सर के ऐतिहासिक मैदान में AIMIM का राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर असदुद्दीन ओवैसी का जनसभा था। काफ़ी भीड़ थी, उत्साहित है, और मायावती RS-49 राजभर की गठबंधन है, और गठबंधन में काफ़ी मजबूत माना जा रहा है। इस बार जो चुनौती होगी हमारा किसी से नहीं है। हमारे साथ विधायक निर्मल जी हैं। निर्मल जी से हम थोड़ी सी बात करेंगे। अभी रैली खत्म हो गई है, वैसी साहब आए थे, जनता भी काफ़ी उत्साहित है, आप भी उत्साहित हैं। क्या प्रतिक्रिया आपको होगी 28 तारीख को जो मतदान होगा और इसमें प्रक्रिया के देने के 28 तारीख को मतदान होगा, और बक्सर विधानसभा की जनता ने एक्सेप्ट कर लिया है कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार के मुख्यमंत्री बनाना है, और मुख्यमंत्री बनाने के लिए निर्मल कुशवाहा को वोट देकर जिताना है। आज की जनसभा ये बता दिया कि निर्मल कुशवाहा की जीत। तो आज की जो जनसभा थी उससे ये कन्फर्म हो गया, पक्का हो गया है कि बक्सर से आप और पूरे प्रदेश में इस बार मुख्यमंत्री का प्रत्याशी भी चेंज हो जाएगा। जी जी जी, एकदम बिहार, ये बिहार की जनता यह एकदम मन बना लिया है, क्योंकि बिहार की जनता का डिमांड था। हम लोग तो एक वर्कर हैं, और वर्कर की हैसियत से हमने मोतिहारी गया था, हमने गया मुंगेर में 5 दिन लोगों के बीच में घुमा, लोगों का डिमांड था। उपेंद्र कुशवाहा जो महागठबंधन में है, महागठबंधन से अलग होकर, NDA से अलग होकर के तीसरा मोर्चा का गठन करें और तीसरे फ्रंट पर आने कार्ड खेली है, कोरोना का वैक्सीन दिया जाए। अरे कोई विषय नहीं हुआ बीजेपी कोरोना का विषय, उसकी तो जवाबदेही है, सरकार की जवाबदेही है। ये कौन सा काम की नया काम भी देंगे? रोजगार तो आता 15 साल से दे रहा है, और नरेंद्र मोदी जी ने ही बिहार के सारे लोगों को रोजगार दे दिया। बिहार के 34 लाख लोग पैदल आए बिहार, रोजगार की बात तो छोड़िए, ये लोग क्या देंगे? बिहार की जनता इस बात को समझ गई है, अब इस झांसे में नहीं आने वाली है। उपेंद्र कुशवाहा को अगला CM बना करके बिहार की जनता अपने दुख दर्द को दूर करेगी। अभी जो पोल चला है, ओपन ईयर पोल, सर्वेक्षण, उसमें बता रहा है कि NDA सबसे आगे चल रहा है, नीतीश बाबू की मीडिया के ऊपर क्या है कुछ बोलवाना चाहिए मीडिया से। अरे 15 साल की सरकार जो थी लालू की, 15 साल की है, इसमें दोनों में आप किसको बेहतर मानते हैं? दोनों बराबर ही थे। दोनों बराबर हैं, बेहतर क्या मानेंगे? अगर दुनिया में एक इंजीनियर गलती करे और एक बिल्डिंग ढह जाए तो एक 2-4 10 लोग जा मर सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने शिक्षा की व्यवस्था ध्वस्त कर करके पूरी पीढ़ी को समाप्त कर दिया, तो यह उससे लालू प्रसाद यादव की सरकार से भी बुरी सरकार है नीतीश कुमार की, जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को समाप्त कर दिया, यानी एक पीढ़ी को समाप्त।